बच्चों को वैक्सीन दिए जाने के बाद शुरू हो सकते हैं स्कूल, मगर इसके लिए करनी होगी अच्छी प्लानिंग। महाराष्ट्र टास्क फोर्स इस बारे में कर रही है गौर। आदाब, मैं फरहत शरीफ, लंटानी न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रेन शुरू हो गई, बस में भी लोग सफर कर रहे हैं, मॉल्स, थिएटर, जिम्नाशियम सब खुल गए, मगर तालीम का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पिछले 18 महीनों से स्कूलों और कॉलेजों में जो ताला लगा है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा। कई बार तालीमी अदारों को खोले जाने का फैसला लिया गया, मगर वो किसी न किसी वजह से फिर वापस ले लिया गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के असरात कम हो रहे हैं। जिंदगी की रेल दोबारा पटरी पर आना शुरू हो चुकी है। अब महाराष्ट्र में भी बच्चों को वैक्सीनेशन दिए जाने की भी तैयारी शुरू है। ऐसे में टास्क फोर्स का मानना है कि अगर बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है और उनकी हिफाजत की तैयारी भी कर ली जाती है तो फिर स्कूल शुरू किए जा सकते हैं। मगर उन्होंने ये क्लियर किया है कि वैक्सीनेशन और स्कूल शुरू करने के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। स्कूल शुरू करने से पहले हर बात की जांच की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी कि अगर स्कूल शुरू किए जाते हैं तो स्कूल में भीड़ भाड़ ना हो, हर कोई मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग हो, स्कूल का पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। स्कूल उसी वक्त शुरू की जा सकती है कि किसी भी बात का कोई खतरा ना हो। बच्चों को शुरू में शिफ्ट में बुलाया जाएगा और उन्हें सामाजिक फासले के तहत बिठाया जाएगा। बच्चों की ज़हनियत का भी जायजा लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे 1.5 साल से घर में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन दिए जाने से बच्चे महफूज हो जाएंगे। बच्चों को भी डेल्टा प्लस से खतरा है। ऐसी बहुत सारी बातों पर गौर करने के बाद ही स्कूल खोले जा सकते हैं। वैसे वालिदैन और बच्चे दोनों तालीमी सिलसिला बंद होने से परेशान हैं। तमाम हिफाजती बातों और मामलों पर गौर करने के बाद स्कूल और कॉलेज शुरू हो जाते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि कोरोना को जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लंटानी न्यूज, मुंबई।